बारिश के समय में एक पक्षी बोलता है, बोलता है ना, आपने सुना होगा, उसने सुना। अब उसकी कल्पना थी, व्यापारी किसान था, तो बोलता है किसान कि ये पक्षी क्या बोल रहा है, बोल रहा है मक्का ज्वार बाजरी। अब पक्षी तो हुत्तुत्तुत्तु बोल रहा है, पर इस किसान को लग रहा है कि पक्षी बोल रहा है मक्का ज्वार बाजरी। इतने में एक सब्जी वाला आया, सब्जी में बोलते हैं आलू टमाटर भिंडी ले लो, ₹10 पाव, ₹10 आलू टमाटर भिंडी, ₹5 पाव, ₹5 आलू टमाटर भिंडी। सब्जी वाला गुजरा वहां से, बोले तू तो पागल है, ये पक्षी मक्का ज्वार बाजरी नहीं बोल रहा है, ये पक्षी बोल रहा है आलू टमाटर भिंडी। इतने में एक भक्त आता है, बोले तुम तो दोनों मूड हो, न वो आलू टमाटर भिंडी बोल रहा है, न मक्का ज्वार बाजरी बोल रहा है, ये तो कह रहा है हुत्तुत्तुत्तु राम कृष्ण हरी प्रभु तू ही तू, दुखों में भी तू, सुखों में भी तू, मान में भी तू, अपमान में भी तू, आपकी सुख आए तो सुख को भी परमात्मा समझो, दुखों को भी परमात्मा समझो, तो आपकी भक्ति हो जाए, आपकी बंदगी हो जाए। जगत को देखने की अपेक्षा कल्पना ही करनी है तो भगवान की करो, कल्पना ही करनी है तो ऐसी करो जो आपको सुख पहुंचाए, जो अति दुखी करे वैसी कल्पना और दुख देगी ना। कल्पना करो तो ऐसा करो कि आपका बंदगी हो जाए, आपकी भक्ति हो जाए। मान मिलता है तो भी वह प्रभु वा उसमें भी तू है, अपमान होता है तो वाह प्रभु वाह इसमें भी तू है, दुख मिलता है तो भी तू है, सुख मिलता है तो भी तू है, बीमार होते हो तो भी तू है, तेरी भेजी है तू ही तू ही तू दाता तू ही तू ही तू
नम्रता से उसका आवकार करो। दुखी और परेशान होना बुद्धिमानी नहीं है, जो मूड है वो दुखी होते हैं, वो परेशान होते हैं, मैं दुखी। सत्संग और संतों की संगति समस्त दुखों को निर्मूल का कारण बन जाता है। बच्चे आपके बाद में है, पति आपका बाद में है, पत्नी आपकी बाद में है, पर पहले परमात्मा आपके हैं। इसीलिए आप सुख चाहते हैं, क्योंकि आप सुख स्वरूप हैं। तू ही तू दाता, तू ही तू ही तू, तू ही तू ही तू दाता, तू ही तू ही तू, 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 तू ही तू ही तू। राम कृष्ण हरि, गोपाल कृष्ण हरि।